हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूँ फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है द मॉरिटेनियन, जो कि ब्रिटिश लीगल ड्रामा और फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है 28 मई 2021 से अमेजोन प्राइम वीडियो पर। मॉरिटेनिया नाम का एक इस्लामिक छोटा सा राष्ट्र है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और उसकी आबादी होगी करीब 40 से 50 लाख लोगों की और वहाँ की मेजर भाषा फ्रेंच और अरबी है। उस जगह की 90% ज़मीन तो सहारा डेजर्ट से ढकी पड़ी है और उस जगह पर एक आदमी था जिसका नाम था मोहम्मदू स्लाई। इस आदमी को बिना किसी इल्ज़ाम के 14 सालों तक जेल में रखा गया था और उस आदमी ने अपने संस्मरण लिखे 2015 में जिसका नाम था गुएंटानामो डायरी। इस मेमोयर पर बेस्ड है ये फिल्म द मॉरिटेनियन, जिसमें इस बेगुनाह कैदी की असहायता के साथ साथ एक ईमानदार लेडी अटर्नी के हौसलों का भी समावेश है जो इस असहाय की सहायता के लिए यूएस गवर्नमेंट से लड़ पड़ी थी। इस तरह की कहानी का एक उदाहरण हमें मिलता है 2007 में बनी रेंडिशन में, जिसमें शिकागो में रहने वाले एक इजिप्शियन बॉर्न केमिकल इंजीनियर को टेररिस्ट समझकर CIA ने एक सीक्रेट फैसिलिटी में बंदी बनाकर उसे काफ़ी दिनों तक टॉर्चर किया था। फिर थी 2010 की कन्विक्शन, जिसमें अपने बड़े भाई को मर्डर के कन्विक्शन से छुड़ाने के लिए उसकी छोटी बहन स्कूलिंग, कॉलेज और लॉ कॉलेज की पढ़ाई करते हुए 18 साल तक उसे फ्री करने के लिए सबूत जुटाती रही और लड़ती रही है। फिर 2017 की थी एक जैपनीज फिल्म द थर्ड मर्डर, जिसमें एक मर्डर कन्विक्ट को डिफेंड करता है उसका लॉयर जो ऑलरेडी कन्फेशन कर चुका है। और फिर थी 2018 में बनी इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक नाम की अमेरिकन फिल्म, जो इसी नाम के नॉवल पर बेस्ड थी और इसमें एक प्रेग्नेंट पत्नी की कहानी दिखाई गई थी जो अपने पति को झूठे आरोपों से बचाने के लिए लड़ पड़ती है। इन्हीं व्यक्तिगत लड़ाइयों और सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाली कहानियों में एक नया इजाफा है द मॉरिटेनियन, जिसमें सिस्टम के जुल्मों और उनके अत्याचारों के खिलाफ एक नए आवाज़ की गूंज है। द मॉरिटेनियन है मोहम्मदू स्लाई, जिससे मॉरिटेनिया से उठाकर US गवर्नमेंट उसे क्यूबा में अपने कैदियों के लिए बनाए हुए गुएंटानामो बे डिटेंशन सेंटर में कैद करके रख देती है। 2002 में कैद ये आदमी उस जगह पर रहता है 6 सालों तक और दुनिया में किसी को खबर ही नहीं कि ये आदमी कहाँ है, ना उस आदमी पर कोई इल्ज़ाम है और ना ही कोई सुनवाई। इस पीड़ित का केस लेती है न्यू मैक्सिको की एक तेज तर्रार क्रिमिनल डिफेंस लॉयर नैंसी हॉलैंडर, जो दक्ष भी है और अनुभवी भी। वो बड़ी ही डिटेलिंग और डेडिकेशन के साथ सारे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और सिस्टम की कई रुकावटों को पार करते चले जाती है। उसे पता चल जाता है कि 11/9 के इनफेमस टेररिस्ट अटैक में टेररिस्ट को रिक्रूट करने के शक के आरोपों के कारण इस आदमी को यहाँ पर लाया गया है और उनके आरोपों की बुनियाद इसका कन्फेशन ही है। उसे टॉर्चर करके कन्फेस करने के लिए मजबूर किया जाता है और US गवर्नमेंट एक नामी प्रोसिक्यूटर को भी नियुक्त कर लेती है। उस प्रोसिक्यूटर को यह बताया जाता है कि उस इनफेमस टेररिस्ट अटैक के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही था, इसलिए उन्होंने मोहम्मदू स्लाई को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब इस प्रोसिक्यूटर को जब यह समझ में आ जाता है कि इस निर्दोष को फंसाया जा रहा है तो वो बैकसीट ले लेता है। इधर नैंसी हॉलैंडर क्लियर है, शार्प है और कॉन्फिडेंट है अपने केस को लड़ने के लिए। वो कड़ी मेहनत और कई सारी विक्टिम्स के साथ मुलाकातों के बाद इतनी सामग्री तो जुटा ही लेती है कि उसकी सुनवाई हो सके। फिर किस तरह अमेरिकन सिस्टम के इस विक्टिम को 14 सालों तक जेल में रखने के बाद उसे छुड़ाने में सफल होती है नैंसी हॉलैंडर, उसकी है ये रोमहर्षक कहानी, जिसमें मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ हौसलों और ताकत की भी जीत का एक अलग ही आलम है। मैं इस फिल्म को देखने के कम आपको 7 कारण दे सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न है गुएंटानामो डायरी। ये वो किताब है जिससे इंस्पायर्ड है ये फिल्म और ये मोहम्मद स्लाई ने लिखी है अपने सारे अनुभवों को कंपाइल करके जो उन्होंने जेल में 14 साल तक अनुभव किए हैं। ये किताब कई भाषाओं में अनुवाद हुई है और कई देशों में ये बेस्ट सेलर रही है। दूसरा रीज़न है स्क्रीन प्ले। इस मेमोयर पर स्क्रीन प्ले लिखा है सौरभ नौशिरवानी,
एम बी टेवन और रोजी हैंस ने विक्टिम की वेदनाओं और यातनाओं के विवरण के साथ बड़ी ही प्रभावशाली संवाद शैली है जो काबिले तारीफ है। तीसरा रीजन है सिनेमाटोग्राफी। ऑल्विन कचलर है इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर, जिन्होंने लैंडस्केप्स और फिर दरारों और खिड़कियों से झांकते हुए समुद्र और फिर कैरेक्टर्स के टाइट शॉट्स के साथ इस फिल्म की कहानी की आत्मीयता को बरकरार रखा है। चौथा रीजन है केविन मैकडोनाल्ड। ये है इस फिल्म के डायरेक्टर, जिन्होंने मुख्य पात्र की वेदनाओं को दुनिया के सामने नए सिरे से रखा है। बिना किसी पक्षपात के सारे ही पात्र विचरण करते हैं, जैसे कि निर्देशक हो ही नहीं, ये एक अच्छे निर्देशन की पहचान है। पांचवा रीजन है जूडी फॉस्टर। दो बार बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीत चुकी इस एक्ट्रेस ने नैंसी हॉलैंडर के कैरेक्टर में जिस ग्रिट और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है वो लाया है। इन्होंने कमाल का काम किया है ये, और ये इस कैरेक्टर के लिए ऑलरेडी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुकी है। छठा रीजन है ताहर रहीम। ये फ्रेंच एक्टर अमेजिंग है। इसको हाल ही में हमने देखा था द सर्पेंट में चार्ल शोबराज के कैरेक्टर में, और इस फिल्म में उसने 14 साल तक जेल में कैद मोहम्मदू स्लाई के कैरेक्टर में एक अलग ही ह्यूमन क्वेश्चन क्रिएट किया है। उसकी आँखें और उसकी यातनाओं से भरा चेहरा आपको हॉन्ट करता रहेगा। और सातवां रीज़न है कनेक्ट। इस फिल्म के अंतिम मोंटाजेस में ओरिजिनल मोहम्मदू स्लाई को दिखाया गया है जो बॉब डिलन के गानों पर थिरक रहा है। उसके रियल लाइफ चेहरे को देखकर और उसके अनुभवों को याद करके उसको इस रूप में देखकर आपको बड़ा सुकून मिलता है। इन सात कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि एक कैदी की 14 सालों की यातना भरी जिंदगी बदल जाती है और सारा इतिहास बदल जाता है जब उसकी मुलाकात एक अटर्नी के साथ हो जाती है। ये जो अटर्नी है ये अपराइट है, वो ये कहती है कि आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई एम डिफेंडिंग द रूल ऑफ लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट कम विद एन एस्टेरिक एट द एंड दैट सेज टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सैल्यूट, गो फॉर इट।